हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आरसीआई एजु हब ऑनलाइन क्लासेज, क्लास 12th, सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोलॉजी, चैप्टर 4th, डिफरेंस मेथड्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। इसमें हम पढ़ रहे हैं कृत्रिम नियंत्रण। कृत्रिम नियंत्रण जो होता है उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट भौतिक नियंत्रण, इसमें सेकेंड आता है यांत्रिक नियंत्रण, थर्ड कृषण नियंत्रण, और फोर्थ आता है इसमें रासायनिक नियंत्रण। कृत्रिम नियंत्रण होता है, इसकी परिभाषा यानी कि कीटों का नियंत्रण मानव हस्तक्षेप के द्वारा, मानव के द्वारा किया जाता है तो उसे कृत्रिम नियंत्रण कहते हैं। और इसको करने का भी जो तरीका है उसमें ये रहता है कि जिस प्रकार से प्राकृतिक जो नियंत्रण पढ़ा हमने, यदि कीटों की संख्या को नियंत्रण प्राकृतिक कारकों से नहीं हो रहा है, प्राकृतिक विधि से नहीं होता है, तब जाकर हम उपयोग में लेते हैं कृत्रिम नियंत्रण। और कृत्रिम नियंत्रण के अंदर विभिन्न विधियाँ हैं, जो कि यहाँ पर सबसे पहले भौतिक नियंत्रण है, सेकेंड यांत्रिक नियंत्रण, थर्ड कृषण नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण। इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले भौतिक नियंत्रण जो होता है वो क्या होता है, और उसमें किस प्रकार से भौतिक कारकों का उपयोग करते हुए कीटों का नियंत्रण हम करते हैं। सबसे पहले भौतिक नियंत्रण, भौतिक कारकों का उपयोग करते हुए कीटों की संख्या को कम करना, कीटों की संख्या को नष्ट करना, या फिर बढ़ी हुई समष्टि जो है उसकी संख्या को कम करना, यहाँ पर वो कहलाएगा भौतिक नियंत्रण। तो इसके अंदर हम भौतिक कारकों जैसे तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, ध्वनि और बिजली, इनका उपयोग करते हुए कीटों का नियंत्रण करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में आता है तापमान। तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, वो जीवित जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, और इसका भी एक क्राइटेरिया होता है जिसमें 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है, इसमें कीट सबसे ज़्यादा अनुकूल होते हैं, अपने आप को सबसे ज़्यादा अनुकूलित महसूस करते हैं, और इसमें सर्वाधिक परिवर्धन करते हैं, अपनी संख्या के अंदर वृद्धि करते हैं इस टेम्परेचर के ऊपर। तो यदि हम टेम्परेचर 10 से 35 डिग्री उनको उपलब्ध करवाएंगे तो उनकी संख्या रेगुलर बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, या तो टेम्परेचर जो होता है उसको 10 डिग्री सेल्सियस से कम रखते हैं, या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हैं, जो कि उनके लिए ये प्रतिकूल हो जाता है। प्रतिकूल मौसम के अंदर सभी जीव जो होते हैं वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं अपनी संख्या जो होती है उस वो वहाँ पर कम हो जाती है। तो यहाँ पर यदि प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकांश कीटों को 60 डिग्री सेल्सियस से 66 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यदि हम रखते हैं तो कुछ समय में कीट जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भंडारित घर या भंडार गृह जो होते हैं उसके अंदर उपस्थित जो अनाज होता है, उस अनाज को हम तेज धूप में 50 से 52 से 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर 3 से 4 घंटे तक रखते हैं तो सभी कीट इसके अंदर उपस्थित सभी जो कीट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इस अनाज को यदि हम 3 से 4 घंटे तक मई जून के महीने में तेज धूप के अंदर रखते हैं तो अधिकांश कीट जो होते हैं वो इसके नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा घरेलू सामग्री जो होती है, सब्जी जो होती है, उसको रेफ्रिजरेटर में रखने पर या कम तापमान पर रखने पर कीटों का संक्रमण से इन पदार्थों को बचाया जा सकता है। तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस
वो अनुकूल होता है, सर्वाधिक उनका परिवर्धन होता है। लेकिन जैसे ही इसमें हम परिवर्तन करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो उनकी कीटों की संख्या कम होती जाती है, और इधर यदि हम उसको कम करते हैं तो भी कीटों का जो संक्रमण होता है उसको रोका जा सकता है। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर आता है प्रकाश। प्रकाश जो होता है वो जीवित जीवों के लिए, उनकी जैविक क्रियाओं के लिए शक्ति या ऊर्जा प्रदान करता है, और प्रकाश उनकी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रकाश का किस प्रकार से उपयोग करके हम कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं? तो प्रकाश, इसके द्वारा पास बनाए जाते हैं प्रकाश के, प्रकाश पास या फिर प्रकाश फंदा। ऐसे कीट जो कि सायंकाल में बाहर आते हैं, जो कि हमने तीसरे चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि अधिकांश कीट जो होते हैं वो शाम के समय में ही बाहर निकलते हैं और गमन करते हैं। इसके अलावा रात्रिचर कीट, यानी कि रात के समय में जो बाहर निकलते हैं, ऐसे कीट वो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। तो हम यहाँ पर प्रकाश पास या प्रकाश फंदा बनाए हुए हैं खेतों के बीच में या खेतों के आसपास, हम इस प्रकाश पास को लगाते हैं तो सायंकाल में और या रात्रिचर जो कीट होते हैं वो उड़कर वो आकर्षित होते हैं इस प्रकाश पास की तरफ और वहाँ आकर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर इनको पकड़कर नष्ट कर दिया जाता है। अब इसके द्वारा प्रकाश की गामा किरणें जो होती हैं, गामा किरणें, सबसे पहले इनका उपयोग किया गया था और इनका उपयोग 1937 के अंदर अमेरिका में आदमी का नाम निपलिंग और इसने स्क्रू वर्म फ्लाई इस कीट के ऊपर इसका प्रयोग किया और इसकी संख्या को नियंत्रित किया था। तो यहाँ पर हम इसको याद रखेंगे, सबसे पहले प्रकाशीय किरणों का उपयोग कीट नियंत्रण में कब, कहां और किसने किया था, तो यहां से आ जाएगा सबसे पहले गामा किरणों का 1937 में अमेरिका में निपलिंग ने, और किसके ऊपर, स्क्रूवर्म फ्लाई के ऊपर इसका उपयोग किया था। नेक्स्ट आता है इसमें आर्द्रता। हमने तीसरे चैप्टर के अंदर विभिन्न कीटों के जो जीवन चक्र था उसके अंदर हमने पढ़ा है कि कुछ कीट ऐसे होते हैं जो सिंचित क्षेत्रों के अंदर यानी कि सिंचाई वाले क्षेत्रों में अपना प्रकोप दिखाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो असिंचित क्षेत्रों में अपना प्रकोप दिखाते हैं। तो सभी फसलें जो होती हैं उनके ऊपर कीटों का जो इफेक्ट होता है वो समान नहीं रहता है। तो यहाँ पर आर्द्रता जो होती है वो सभी कीटों पर एक प्रकार से प्रभावित नहीं होती है। यहाँ पर यदि हम बात करें दीमक की, दीमक असिंचित क्षेत्रों के अंदर अधिक प्रकोप दर्शाती है। तो इन क्षेत्रों के अंदर जहाँ पर दीमक का प्रकोप ज़्यादा होता है वहाँ पर सिंचाई अधिक करनी चाहिए। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं भराव वाले, भराव का मतलब ऐसे स्थान जहाँ पर वर्षा ऋतु के अंदर वर्षा का जो जल होता है वो जाकर वहाँ पर भर जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर, भराव वाले क्षेत्रों के अंदर मक्खी, मच्छर, अन्य जो कीट होते हैं उनके उत्पन्न होने की संभावनाएं वहाँ पर बढ़ जाती है। तो भराव वाले क्षेत्रों के अंदर जल निकासी करते हैं यानी कि उन भराव वाले क्षेत्रों से उस जल को वहाँ पर नहीं रुकने दिया जाता है और उनको वहाँ से पानी को वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो उस क्षेत्र के अंदर उत्पन्न होने वाले जो कीट मच्छर थे उनको वहाँ पर उत्पन्न होने से बचा सकते हैं। इसी के साथ में भंडार गृह, भंडारित जो अनाज होता है उस अनाज पर भी कीटों का प्रकोप रहता है। तो भंडारित अनाज को कीटों से बचाने के लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं, अनाज को भंडारित करने से पहले तेज़ धूप में अच्छी तरह उसको सुखाते हैं, जिससे कि उसकी नमी जो होती है वो नमी वहाँ से नष्ट हो जाए, या फिर हम कहें तो 8-10% से कम रहे, यानी कि कम से कम कितना 8-10% उनमें नमी रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कीटों का प्रकोप जो होता है वो इनके ऊपर बहुत ही कम होता है या फिर नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट ध्वनि आता है। ध्वनि अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उनका उपयोग हम ध्वनि
यंत्र बनाते हैं जिससे कि कीट जो होते हैं ये वहाँ पर नहीं बनते हैं। अब इसके अंदर हम उच्च आवर्ती तरंगों का उपयोग करते हैं ध्वनि में, ध्वनि में उच्च आवृत्ति वाली तरंगें जो होती हैं उनका उपयोग करके हम कीटों की संख्या जो होती है उसको नष्ट करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको भगाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। लास्ट आता है हमारे पास में बिजली। इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं इनका उपयोग किया जाता है और इनसे अल्ट्रावायलेट पास इन ये बनाए जाते हैं जो कि आसानी से मार्केट में भी हमें मिल जाते हैं, बाज़ारों में भी हमें मिल जाते हैं, जिससे ये अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं जब ये चमकती हैं तो विभिन्न जो कीट होते हैं वो इनकी ओर आकर्षित होते हैं और आकर्षित होने के बाद में वहाँ पर जब वो एकत्रित होते हैं तो उनको हम नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो फिजिकल कंट्रोल या भौतिक नियंत्रण जो है टॉपिक हमारा वो कंप्लीट होता है और इसके अंदर किस प्रकार से हम कीटों का नियंत्रण करते हैं, कौन कौन से कारकों का हम उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कारक जो हैं वो यहाँ पर 5 हैं जिनका उपयोग करके हम कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। धन्यवाद।